हेलो बच्चों, मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कि हम एचसीएफ कैसे निकालें बाय अभाज्य गुणनखंड द्वारा, कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है इसका, वो है हमारे पास 500 और 225। 500 और 225 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम 500 के गुणनखंड बनाएंगे और फिर हम निकालेंगे 225 के। तो हम 500 के गुणनखंड बनाते हैं पहले। अब 500 अभाज्य संख्या के द्वारा ही देना है, तो अभाज्य संख्या का हम 2 से देंगे। तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 0 का 0। नेक्स्ट वापस हम 5 से कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 0 का 0। वापस 5 से 5 1 जा 5, 0। 5 10 जा 5 2 जा 10, 2 टाइम में आएगा, 2 लिखेंगे। अब वापस 2 है तो हम 2 से कर सकेंगे, 2 1 जा 2। ये 500 के हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। 2 से किया 250 आया। 5 से ऐसे अगर आपको नहीं आना तो आप भाग देके भी 2 से 500 में 2 का भाग देके देख सकते हैं, तो भी आपके पास 250 की संख्या आएगी। फिर 250 से को 5 से किया 50 आया, 50 को 5 से किया 10, 10 को 5 से किया 2 और 2 को 2 से किया 1। ये 500 के गुणनखंड हमारे हो गए। अब निकालने हमें 225 के, किसके निकालने हैं, 225 के हम गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम 5 से करेंगे, 5 5 20 बचेगा 2, 5 5 25। अब 45 है, 45 2 में आता है, तो 45 5 में आता है, तो 5 के बाद से करेंगे, 5 9 45। अब 9 है, 3 के पहाड़े में आता है, 3 3 का 9 3 1 3। 225 के भी हो गए हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम इनके गुणनखंड निकालेंगे। तो हमारे पास इनके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 500 के गुणनखंड लिखेंगे सबसे पहले हम, और यहां लिखेंगे हम 225 के। तो 500 के जो गुणनखंड है वो है 2 × 5 × 5 × 5 × 2। ये किसके हैं, 500 के। अब हमको लिखना है 225 के, तो 225 के लेंगे 5 × 5 × 3 और 3। ये हमारे हो गए 225 के। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, हम निकालते हैं। अब इसमें से जो कॉमन है ना वो हमको लेना है। तो कॉमन देखो 5 है, इधर 5 कॉमन है और इधर फिर 5 कॉमन है, बट इन दोनों 5 के अलावा कोई भी तीसरी संख्या जो है कॉमन नहीं है। तो हम लेंगे 5 × 5। जो उभयनिष्ठ है, 5 उभयनिष्ठ था दोनों में है, 5 उभयनिष्ठ है दोनों में। यहाँ 5 है बट नीचे और कोई पार्ट नहीं है, यहाँ पे 3 है इसमें भी नहीं है, उसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है। तो हमारे पास जो उभयनिष्ठ संख्या आई तो वो होगा 5 × 5, और 5 × 5 को हम गुणा करेंगे तो 5 5 25 कितना आएगा, 5 5 25। तो 500 और 225 का जो हमारे पास एचसीएफ आया है वो क्या है हमारे पास, 500 और 225 का एचसीएफ कितना हो गया, 25। हमारा आंसर जो है वो क्या है, 25 है। यदि आपको एचसीएफ निकालना सीखा है आपने, यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।